अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको ही पता है, लेकिन आज डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइज़र होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो अटॉर्नी जनरल को अप्रोच करते हैं। अटॉर्नी जनरल को लीगल एडवाइस देना कंपल्सरी होता है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इन केस अगर कोई एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है तो अटॉर्नी जनरल है उसको एडवाइस देना कंपल्सरी है। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 76(1) इनका अपॉइंटमेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल का। और इनकी जो अपॉइंटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वे सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इनका जो रेमुनरेशन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो इनको पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो इनकी जो ऑफिस है वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये अपने पोस्ट के ऊपर रह सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहे तो उसके बाद इनको रिजाइन करना होता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो अटॉर्नी जनरल को अप्रोच करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी लीगल वर्क दिया जाता है वो इनको पूरा करना होता है। अभी लेटेस्ट के अंदर जो 15th या जो करंट जो अटॉर्नी जनरल है वो मिस्टर के वेणुगोपालन जी हैं।